यस स्टूडेंट्स वी आर डूइंग वर्कशीट फाइव एंड वी हैव डन क्वेश्चन नंबर थ्री ओके सो वी आर लेफ्ट विद ओनली क्वेश्चन नंबर फोर ऑफ दिस वर्कशीट सो वी विल डू दिस क्वेश्चन एंड आफ्टर वर्ड योअर वर्कशीट फाइव विल बी कम्पलीटेड एंड वी विल मूव ऑन टू द वर्कशीट सिक्स ओके एंड बिफोर दैट बिटे आपको ई ऑर एफ पार्ट मैंने दिया था एज अ होमवर्क सो मैच द आंसर्स फ्रॉम हेयर आई विल सेंड यू दीडीएफ ऑफ दिस पेज क्लियर पीडीएफ आपको मिल जाएगी आज इस पेज की तो आप अपने आंसर्स को मैच कर लेना बिफोर चेकिंग द आंसर जस्ट सी क्वेश्चन नंबर फोर हाउ टू डू दिस क्वेश्चन ठीक है तो सबसे पहले हमने क्या करना है बेटे क्वेश्चन को टू टाइम्स रीड करना है वी विल रीड द क्वेश्चन टू टाइम्स क्या लिखा है यहाँ पे फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट नंबर ऑफ फाइव डिजिट आई रिपीट फाइंड द डिफरेंस डिफरेंस का मतलब क्या होता है डिफरेंस मींस फरक फरक कब आएगा जब हम दो नंबर को आपस में सप्रैक्ट करेंगे माइनस करेंगे डिफरेंस से हमें ये समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ सप्रैक्ट होना है ठीक है माइनस होना है क्या uh, क्या सप्रैक्ट होना है बिटवीन द लार्जेस्ट लार्जेस्ट यानी कि बड़ा लार्जेस्ट नंबर ऑफ फाइव डिजिट अब फाइव डिजिट नंबर आपको लार्जेस्ट फाइव डिजिट नंबर लिखना है एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ थ्री डिजिट ठीक है दोबारा से रीड करते हैं फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट नंबर ऑफ फाइव डिजिट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ थ्री डिजिट आपको टू नंबर्स गिवन है एक तो फाइव डिजिट नंबर लार्जेस्ट एक स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर उन दोनों का आपने क्या निकालना है डिफरेंस यानी कि उसका फर्क निकालना है कि उनको जब हम सप्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा डिफरेंस ठीक है हमारे पास जो आंसर आएगा जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा दैट यू हैव टू फाइंड आउट क्लियर तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए बेटे कि लार्जेस्ट नंबर कौन सा होता है लार्जेस्ट नंबर से पहले लार्जेस्ट डिजिट पता होनी चाहिए लार्जेस्ट डिजिट होती है हमारे पास नाइन ठीक है और अगर मैं बात करूं फाइव डिजिट नंबर की लार्जेस्ट फाइव डिजिट नंबर की तो नाइन को आपने फाइव टाइम्स लिखना है तो ये आपका क्या बन गया लार्जेस्ट फाइव डिजिट नंबर क्लियर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ थ्री डिजिट अब थ्री अब स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होता है स्मॉलेस्ट नंबर आपका बनेगा जीरो से जब आपको स्मॉलेस्ट डिजिट पता होगी तभी आप स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट कर पाओगे तो स्मॉलेस्ट डिजिट होती है बेटे जीरो तो कितना लिखना है आपको थ्री डिजिट लिखना है यानी कि टू हम जीरो से लगाएंगे और एक वन लगा देंगे टोटल क्या बन गया ये थ्री डिजिट स्मोलेस्ट नंबर और मैंने आपको पहले भी बताया था अगर स्मॉलेस्ट नंबर थ्री डिजिट है तो हम थ्री जीरो नहीं लगा सकते क्योंकि जीरो की कोई वैल्यू नहीं है उसको वैल्यू देने के लिए हम क्या करेंगे फर्स्ट डिजिट को वन वन ही रखेंगे ठीक है ऑलवेज हमने वन रखना है क्लियर तो इसी तरह से मैंने यहां पे नोटबुक में लिखा है और आप भी ऐसे ही लिखोगे लार्जेस्ट फाइव डिजिट नंबर इक्वल्स टू आपने क्या करना है नाइन को फाइव टाइम्स लिखना है फिर स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर इक्वल टू हंड्रेड क्लियर वंस प्लेस के नीचे वंस प्लेस टेंस प्लेस के नीचे टेंस प्लेस हंड्रेड प्लेस के नीचे हंड्रेड प्लेस क्लियर नाउ व्हाट यू विल डू अब आप इसको क्या करोगे सब करोगे क्योंकि हमें क्या निकालना है यहां पर डिफरेंस ठीक है हमें यहां पे क्या निकालना है बेटे डिफरेंस निकालना है और इक्वल टू का साइन लगाएंगे डिफरेंस लिख के नाइन माइनस जीरो दिस इज नाइन नाइन में से बेटे आप कुछ भी नंबर माइनस करते हो वो यहां पे लिखते हो अगर नाइन में से कुछ भी माइनस नहीं हो रहा है जीरो माइनस मीन्स कुछ भी माइनस नहीं हो रहा है तो सेम नंबर आपका आ जाएगा यहाँ ठीक है नाइन माइनस जीरो अगेन सेम नंबर डेट इज नाइन नाइन माइनस वन दिस इज एट यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम इसको जीरो से फिल कर देते हैं नाइन माइनस जीरो अगेन नाइन नाइन माइनस जीरो नाइन तो आपके पास ये नंबर आया और ये नंबर क्या बनता है नाइन्टी नाइन थाउजेंड एट हंड्रेड एंड नाइन्टी नाइन क्लियर तो ये डिफरेंस आया हमारे पास यही आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में क्लियर सी दीज क्वेश्चन आर वेरी वेरी इजी नाउ वी विल मूव ऑन टू द वर्कशीट सिक्स वर्कशीट सिक्स में आपने क्या करना है बेटे यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई की गई है सब वाली और ये प्रॉपर्टी आप अभी इस क्वेश्चन में कर चुके हो जो मैंने आपको भी क्वेश्चन बताया था ये वाला कि अगर आप किसी भी नंबर में से जीरो को सप्रैक्ट करोगे तो सेम नंबर मिलेगा तो यही आपकी प्रॉपर्टी है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एट में से जीरो को माइनस करती हूं तो मेरे पास क्या आएगा वापिस एट आएगा है ना फाइव में से जीरो को माइनस करूंगी वापिस फाइव आएगा तो यही आपकी प्रॉपर्टी है जो आपने यहां पे अप्लाई करनी है क्लियर ये हम पहले ही कर चुके हैं तो आपने यहां पे क्या करना है फिल करना है कि सप्रैक्ट करके क्या आया ठीक है तो ए पार्ट देखिए माइनस जीरो जब हम सिक्सटीन में से जीरो माइनस कर रहे हैं तो सेम नंबर आएगा ना बेटे जैसे एट में से जीरो माइनस किया एट आया फाइव में से जीरो माइनस किया फाइव आया तो सिक्सटीन में से जीरो माइनस करने पे सिक्सटीन आएगा सेम नंबर क्लियर बी पार्ट देखिए सेवेंटी एट माइनस जीरो फिर सेवेंटी एट ही आएगा सेम नंबर क्लियर सी पार्ट एटी टू माइनस डैश इक्वल्स टू टू अब सेम नंबर कैसे आया यहां पे इक्वल टू के बाद सेम नंबर तभी आएगा जब हम उस नंबर में से जीरो को माइनस करेंगे क्लियर तो यहां पे क्या आना चाहिए जीरो आना चाहिए क्लियर बेटे अगर हम किसी भी नंबर में से जीरो को माइनस करेंगे तभी सेम नंबर आएगा तो इन्होंने क्या दिया हुआ डैश दिया हुआ है। तो हमें 82 को देख के यहां पे 82 जो लिखा है इक्वल टू के बाद इसको देख के समझ जाना चाहिए कि अगर हम यहां जीरो फिल करेंगे तभी 82 आएगा क्लियर अगला देखिए डी पार्ट यहां पर भी सेम है फोर थर्टी टू माइनस क्या माइनस करें कि वापस मेरे पास क्या आए फोर थर्टी टू आए ऑब्वियसली जीरो नाउ सी पार्ट डैश माइनस जीरो इक्वल्स टू सेवन हंड्रेड थर्टी टू अब यहां पे आपने लिखना है कि यहां क्या नंबर आएगा जिसमें से जीरो माइनस करवाएं और हमें ये नंबर मिले ऑब्वियसली बेटे यही वाला नंबर ही आएगा है ना जब हम इस नंबर को यहां लिखेंगे इसमें से जीरो माइनस करवाएंगे तभी तो यहाँ पे आएगा ना वही नंबर यही आपको बताया था जिस नंबर में से जीरो माइनस कर रहे हैं सेम यहां आएगा तो इसका मतलब अगर ये यह यहाँ पे बॉक्स खाली है तो आपका यही वाला नंबर यहाँ पे आएगा क्लियर इसी तरह से देखिए बेटे एफ पार्ट यहाँ पर सेम है डैश माइनस जीरो इक्वल्स टू दिस नंबर वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एटी नाइन तो इसका मतलब यही नंबर यहाँ पे लिखा जाएगा इसमें से जब जीरो माइनस करेंगे तभी मिलेगा हमें वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एटी नाइन तो मैं यहां पे लिख रही हूं क्लियर जी पार्ट देखिए फोर हंड्रेड फिफ्टी सेवन माइनस डैश इक्वल्स टू फोर हंड्रेड फिफ्टी सेवन सेम नंबर आ रहा है ना तो इसका मतलब यहां जीरो आएगा जीरो को सब्रैक्ट करवाएंगे एच पार्ट भी इसका सेम है बेटे डैश माइनस जीरो इक्वल्स टू दिस नंबर यानी कि यही वाला नंबर हमारा यहां आएगा सिक्स थाउजेंड नाइन हंड्रेड फिफ्टी फाइव सो दीज क्वेश्चन आर वेरी वेरी इजी आप बहुत इजीली कर सकते हो ठीक है तो इसमें आई और जे पार्ट आपके लिए होमवर्क रहेगा बेटे आपने खुद से ट्राई करना है और बहुत ईजी क्वेश्चन है